अभी कई टाइम से काफी टाइम से सोच रहा था, करीब मान लो आप 10 साल से सोच रहा था मारने की। कितना चढ़ गया? बहुत सारा चढ़ गया। चाय पिला दो। तो गाइस एक बार मैं फिर आ गया हूँ और हम लोग इस बार कुछ नया करने वाले हैं। नया मींस हम लोग अपनी फैमिली के साथ जाएंगे, मैं अपनी फैमिली के साथ जाऊँगा और फ्रेंड्स भी है मेरे। सो हम लोग जा रहे हैं कुछ ऐसी जगह पे जो मैं आपको जा के बताऊँगा और बीच में हम जितनी मस्ती करते हैं जो भी करते हैं हम आपके साथ शेयर करेंगे सारी चीज़ें, और आप लोगों को कैसी क्या लगे सब चीज़ें मेरे को भी शेयर करना आपसे। और रात की बज रही है 12 और हम लोग 5 मिनट बाद निकलेंगे और फिर हम आपसे मिलते हैं। कार वगैरह में हम जा रहे हैं, तो हम जहाँ जाएंगे हम आपको वहाँ पे सारी डिटेल्स बताएंगे, सारी चीज़ें जहाँ जहाँ घूमेंगे वो सारी चीज़ें, और बहुत सारा एंजॉय होगा, तो आप साथ में रहना। ठीक है, ओके बाय। आवाज़ कम करनी हो तो कर देना। सो हम लोग घर से निकल चुके हैं और हम लोग अभी पेट्रोल डलवा रहे हैं बिकॉज ऑफ हमें जाना बहुत दूर है और फैमिली है साथ में, सब बैठे हुए कार में और फ्रेंड्स लोग साथ में, तो ऑब्वियसली इंजॉय वगैरह सब होगा ऐसे ही। और मम्मा पापा है, खुशी है ना, तो मैं आपको सबसे मिलवाऊंगा। बट अभी नाइट हो रही है तो वो भी थोड़े थके हुए हैं, मतलब स्टार्टिंग से ही थके हुए हैं क्योंकि दिन भर का उनका काम रूटीन वगैरह जैसा भी रहता है। तो हम लोग अभी कार वगैरह में, तो क्या अंधेरा रात की है तो अंदर थोड़ी लाइट वगैरह कम है बिकॉज ड्राइविंग करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, इसकी वजह से हम लोगों ने अभी यहीं से स्टार्ट करा है और घर से निकल गए हैं। थोड़ी बहुत बूंदाबांदी भी हो रही है तो हम लोग ध्यान रख के चलते हैं, और थोड़ा रास्ता भी थोड़ा सा ऐसा ही है कि थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है हमें, बट नाउ बहुत टाइम से थी इस चीज़ को करने का मन। तो हम लोग अभी निकल चुके हैं और हम लोग पेट्रोल डलवा के बस जस्ट निकल ही वाले हैं। ओके, तो मैं आप लोगों से इंट्रो भी कर रहा हूँ वहाँ पर, क्योंकि आप लोगों ने किसी से बात करी नहीं है। सो अब हम लोग चल रहे हैं। निकल चुके हैं, ये बैठे हैं पीछे, पापा बैठे हैं, खुशी ये रही, और मम्मी कहाँ गई, ये रही है ना, हाय बोलो, हाय हाय हाय। सो हम लोग निकल रहे हैं और काफ़ी कुछ मजा करेंगे हम, खाने पीने का भी सब भरपूर आ गया है और 1 किलो सेव लेके आए हम लोग, क्योंकि हम लोगों को शौकीन बहुत है सेव का, पापा को बहुत ज़्यादा शौकीन है, हम MP वाले हैं तो हम लोग सेव के बहुत ज़्यादा शौकीन है ना। मीठा हमें बहुत कम पसंद है, मीठा हमें बिल्कुल पसंद। यार इसको देख, रुक जा। हम लोग बहुत मतलब थक चुके हैं और नींद भी आ गई थी, हम लोग सो गए थे, और यहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा ठंड है, मतलब बहुत ज़्यादा ही ठंड है, तो सब कोट पहन के रखना पड़ रहा है। और खुशी तो देखो उसको तो अंदर ही बैठी है, उसको निकालने की इच्छा ही नहीं हो रही हमें, अगर उसको भी थोड़ा सा बीमार भी होगी ना वो, तो अभी अब मेरे को चिल्लाएंगे। बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड भी था बिकॉज ऑफ जो फ्रेंड की गाड़ी थी वो मुझे मिल नहीं पाई थी बिकॉज ऑफ मेरे को मतलब उसका थोड़ा प्रॉब्लम था, तो फ्रेंड की फिर एक और दूसरा फ्रेंड से बात करी थी और मैं ज़्यादा इतना ज़्यादा चला नहीं पाता हूँ इतने अच्छे से, तो मैंने कहा भैया आप ही चल चलो साथ में, तो भैया को भी लेके आ गए साथ में, और फिर थोड़ा कंजेस्टेड था बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सब लोग फैमिली थी साथ में, थोड़ा सपोर्ट भी हो गया और सब कुछ अच्छे से हो गया है ना। और ठंड बहुत लग रही है, अब हम चाय वगैरह पियेंगे, बहुत ज़्यादा ठंड है, बस चाय ही पियेंगे उसके अलावा कुछ नहीं, और फिर चलते हैं ऊपर चलेंगे, नीचे ऊपर नीचे चलेंगे तब आपसे मिलेंगे। और आगे का रास्ता तो ऐसा है यहाँ पे कि वन वे है, मतलब इतना ज़्यादा है कि बहुत प्रॉब्लम हो रही थी रात चलाने में, तो चलते फिर बताते हैं आपको आगे। ठीक है, हाय बंधु, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हम लोग यहाँ पर चाय पीने आए थे बहुत, मतलब बहुत दूर से, हमें मतलब कब से हम ट्राई कर रहे थे कुछ रेस्टोरेंट वगैरह मिल जाए बट नहीं मिल पा रहा था, और फिर थोड़ी भूख भी लग रही थी क्योंकि रात भर से हमने कुछ खाया भी नहीं था, हम जल्दी जल्दी में निकल गए थे वहाँ से, तो कुछ ले नहीं पाए, खा नहीं पाए। अब हम हाफ एन आवर में पहुँचने वाले हैं तो थोड़ा टाइम लगेगा हमें उसके लिए, और ओंकारेश्वर जा रहे हैं हम लोग, बता दिया मैंने आपको,
और आते वक्त हम लोग यहाँ का सीन बताएंगे क्योंकि बहुत प्यारे प्यारे सीन है यहाँ पे, और पहाड़ वगैरह है, और मैं कुछ रील भी बनाऊंगा यहाँ पे तो वो आपको देखने को मिल जाएगी उस जगह पे। और देखते हैं पापा के वहाँ वेट कर रहे हैं हमारा चाय पीने के लिए, तो क्या चाय ना? हाँ बाटा नहीं है बालू से यहाँ, इनको देख के लग सकता है यहाँ ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा ठंड है, बट कोई ना। ले ले क्या ले रहा कि यहाँ पर इतना मेला वगैरह लग रहा होगा, बट और क्राउड भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, तो हम लोग जस्ट निकल यहाँ से चल रहे हैं अंदर, अभी देखते हैं आप आ गए तो चलेंगे अंदर और देखते हैं आपको सीन्स दिख रहे होंगे कि यहाँ पे कितनी सारी भीड़ वगैरह है यहाँ पे, और लोग यहाँ पे यात्रा वगैरह करने के आते हैं और नहाना यहाँ पर सब कुछ है, तो उस हिसाब से हम लोग आए हैं यहाँ पे। हम लोग भी करेंगे सारी मस्ती वगैरह और आगे चलते हैं हम लोग, कितना क्या होता है। सो आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे क्राउड कितना ज़्यादा है, तो हम लोग जस्ट अभी थोड़ा साइड में जाके करेंगे बिकॉज ऑफ यहाँ पे अभी मास्क वगैरह उतरना पड़ेगा, तो सो लोग देखते हैं फिर अच्छा लगता है से, तो हम लोग साइड जाएंगे थोड़ा सा और नहा धो के हम लोग तैयार हो चुके हैं बिकॉज हम लोगों ने दिखाया नहीं आपको कि कैसे क्या हुआ, सो देखते हैं बाकी चल के। ठीक है, ये पूरा यहाँ पर लोग नहा रहे हैं सब कर रहे हैं, और उस पैर मतलब उस साइड भी हम लोग जा सकते हैं, बट हम इस ब्रिज पे चढ़ के जाएंगे उस साइड से और चलते हैं आगे। हम लोग ब्रिज पे पहुंच चुके हैं और उस साइड से नाव हो गया, क्योंकि कितना प्यारा सीन लग रहा है, बहुत ही तगड़ा लग रहा है। तो बस फाइनली हम लोग आ चुके हैं मंदिर के अंदर और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, इसकी वजह से हमने मतलब फ़ोन वगैरह निकाला भी नहीं था बिकॉज ऑफ बहुत ज़्यादा भीड़ थी और लोग वगैरह था, तो बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो हम आगे चलते हैं और दर्शन वगैरह करके हम लोग आपको उस टाइम बताएंगे कि हमने क्या करा और क्या नहीं करा। मैं आपको सीन वगैरह दिखाता रहूँगा, तो जैसे आप चेक करते रहना। ओके आगे चलते हैं, आगे शॉप्स वगैरह आए हैं प्रसाद वगैरह के लिए जो कि अंदर यूज होगी, और ये दर्शन हो रहे हैं हमें। कितना चढ़ गया? बहुत सारा चढ़ गया है ना। बहुत ज़्यादा भीड़ है, मैं आपको दिखा देता हूँ, और मम्मा और पापा ये लोग हैं और पर ये नंदी जी हैं यहाँ पर, अपन बेल पत्र वगैरह यहाँ पर भी चढ़ा सकते हैं ये पत्र वगैरह, बाकी आगे शायद ये लोग ले जाने नहीं हैं अंदर क्योंकि मंदिर में फूल पत्र चढ़ाना तो है ही, वहाँ पे सिर्फ जल होता है, तो वहाँ पर Thank you.
ये मेन मंदिर है, यहाँ पे दर्शन होते हैं, हमने ले लिया। कई टाइम से काफ़ी टाइम से सोच रहा था, करीब मान लो आप 10 साल से सोच रहा था मैं आने की, बट कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ मिलूँ, कुछ ना फैमिली प्रॉब्लम, मैं नहीं आ पा रहा था। फैमिली के साथ आया हूँ मैं, हर बार मैं सोचा था मैं अकेला आऊँ तो बहुत सारी प्रॉब्लम सारी थी, जैसे मैं फेस करके नहीं जा पा रहा था, बट अब मैं आया हूँ यहाँ पर और दर्शन वगैरह बहुत अच्छे से हो गए हमें और बहुत सारा इन्जॉय भी करा हमने यहाँ पर। बहुत सारी चीज़ें देखने की भी थी, बोटिंग वगैरह हमने करी, बट बोट वगैरह उसी प्रोग्राम में कुछ नहीं करा और साथ में थे फ्रेंड्स वगैरह, साथ में थे तो हम एंजॉय भी बहुत सारा करा और आपने देखा ही होगा जहाँ तक कि अब भीड़ बहुत थी यहाँ पर, मतलब बहुत ज़्यादा ही भीड़ थी काफ़ी। और आज यहाँ पर मेला लगने वाला था तो उसकी वजह से ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा थी। और हम ये व्लॉग अब एंड करते हैं, ओके तो हम लोग चलते हैं, ओके टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।